चलाओ चलाओ। क्या क्या गाड़ी का नंबर है? जेके JK 19A9585। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक खेड़ समाचार से। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ये एक पशु तस्करी के बड़े प्रयास को विफल किया है और 14 से 15 टैरी ट्रक में तस्करी ये लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े ट्रक ट्रालों में अगर तस्करी कर रहे हो तो किसी को शंका भी ऐसा लगता है कि नहीं होगी, लेकिन ये तस्कर देखें क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या तिगड़म लगा रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई बार आपको बताया कि पशु तस्कर जो है वो तस्करी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। कुछ गाड़ियां तो शायद पकड़ी जाती हैं, वो भी जब इनपुट हो तो, और अगर इनपुट ना हो तो ये शायद गाड़ियां लेकर घाटी पहुंच रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको बताएं, ये तस्वीरें हैं पोनी चक की, और पोनी चक के जो चौकी ऑफिसर हैं उन्होंने नाका लगाया हुआ था। नाका लगाने के बाद इस बड़े ट्रक को पकड़ा है और लगभग 40 से ज्यादा मवेशियों को मुक्त करवाया है। हमारे साथ रविंदर खजूरिया जी हैं, जो एक गो रक्षक है, पोनी चक के ही रहने वाले हैं। रविंदर जी जी, नमस्कार नमस्कार। अच्छा रविंदर जी, मुझे बताया कि ये जो तस्करी कर रहे थे, जो ट्रक पकड़ा हुआ है, इसके बारे में है आपको जानकारी? आप वहीं पर थे? जी, क्या हुआ, क्या हुआ? दीपक जी, ये जो ट्रक पकड़ा हुआ है ना, हाँ, ये पुलिस पोस्ट पोनी चक के इंचार्ज विजय कुमार जी ने नाका लगाया हुआ था रात को। अच्छा, तकरीबन सुबह के टाइम 3:30 बजे तक। अच्छा, हाँ, तो इनको जब उदय वाली रोड पे, हेलो, हाँ जी जी जी, हाँ, उदय वाली रोड पे नाका लगाया हुआ था, जब गाड़ी आ रही थी तो इन्होंने गाड़ी को रोका और गाड़ी वाले भाग गए जी। और 30-40 3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने 3 बलैरो गाड़ी पकड़ी है। 3 बलैरो गाड़ी भी पकड़ी है? हाँ, 2-3 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, और तो एक ट्रक पकड़ा है जो सुबह 3:30 बजे के मुताबिक। अच्छा, हाँ, तो इसमें ट्रक में लदी हुई थी। नहीं, ये जानकारी आपने चौकी ऑफिसर को दी थी कि उनको कोई उनकी? नहीं, उन्होंने उनको 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 सूचना थी, उनको सूचना थी कुछ गाड़ी आ रही है। अच्छा, हाँ, तो वो भाग गए थे और इन्होंने पकड़े हैं। और जो पुलिस पोस्ट वाले, हेलो, हाँ जी हाँ जी, सुन रहे हैं सुन रहे हैं, जो जे 40-40 जानवर हैं, जो गाय हैं वो 40 गाय हैं। अच्छा, सिर्फ गोवंश को लेकर जा रहे थे? हाँ, और जो स्मगल 40 गाय पुलिस पोस्ट के अंदर है। अच्छा, वहीं पर इस समय पुलिस वाले उनकी सेवा कर रहे हैं? हाँ, पुलिस वाले अपनी जेब से 500-500 डालकर, अच्छा, वो उनको पानी पिलाते हैं दिन को, उनको गाय को घास फास का बंदोबस्त करते हैं। आज हमारे तलोपुर के लड़कों ने ट्राली भरकर वहां पर स्टल्ला, जिसको बोलते हैं स्टल्ला जी, स्टल्ला, उसका चार, हाँ, उसका चारे के लिए बंदोबस्त किया है आज। अच्छा, तो हाँ, तो विजय जो हमारे चौकी इंचार्ज है विजय कुमार जी, चिट्टे के भी पीछे भाग रहे हैं, उसको भी पकड़ रहे हैं, लड़कों को भी। अच्छा, हाँ, जो दिन रात दौड़ रहे हैं, इस हफ्ते के अंदर 40 मवेशी पकड़े हैं हमारे पुलिस पोस्ट पोनी चक वालों ने। 40 मवेशी? जी, आप लोग भी हेल्प करते हो? हाँ जी, जहाँ पर सूचना होती है हम भी देते हैं उनको सर। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, खजूरिया साहब शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये देखिए, लोकल सपोर्ट भी है और लोकल सपोर्ट के कारण ही वहाँ के जो चौकी ऑफिसर हैं वो इन लोगों के ऊपर कार्रवाइयां कर रहे हैं, और बहुत जरूरी है कि ये तस्करी को रोका जाए। लेकिन कुछ इस तरह की कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ये लोग रुकें, लेकिन रुकते दिख नहीं रहे हैं। इनपुट है तो पकड़े जाएंगे, नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है कि ये लोग पकड़े जाएं। और इनपुट देने वाले भी अगर उन्हीं के बीच में हैं
तो फिर वो इनपुट देंगे जो उनको पकड़वानी होगी, या उनके कोई दुश्मन होंगे कि हाँ ये वाले गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो इनको हम पकड़वा देते हैं, अपने वाली गाड़ी पार्क करवा देंगे, ऐसा करके भी कोई तिकड़म लगा रहे होंगे। तो ये जो तिकड़म चल रहे हैं ये बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, और इसके ऊपर रोक लगाने के लिए प्लानिंग भी जो है वो उसी तरह की होनी चाहिए। इस पर आप राय भी रखें और देख रहे हैं दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत, नमस्कार।